यहाँ गाड़ियां किस तरह से लगी हुई है, ये गाड़ियों का अंबार है इधर की तरफ, और यहाँ पे UP66T6531 ये गाड़ी है अशोक लेलैंड, और ये नंबर मैं बता रहा हूँ जो UP66T6531। और इस गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर है वो ड्राइवर अभी संदिग्ध हालत में मौत है, वो मरा हुआ पड़ा हुआ है अंदर की तरफ। ये देखिए, मैं तस्वीरों को पूरी तरह से नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि मेरे रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन ये जरूर मैं दिखा रहा हूं क्योंकि अंदर की तरफ वो अभी कंबल उड़ाया हुआ है, अंदर की तरफ वो बॉडी पड़ी हुई है, और लगभग 11:30 से ऊपर हो चुके हैं। क्या क्या बातें हुई हैं, क्योंकि ये 12:30 हो रहे हैं, और ये गाड़ी में माल किसका है, कौन सा यहाँ पे, क्योंकि इस ट्रक के ओनर तो यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ पे जो है, क्योंकि जिसके लिए माल आया है, जो यहाँ के ट्रांसपोर्टर है, उनको इसका ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप आइए, तो आपका क्या, आप कहाँ लेके गए थे इसको कल दिखाने के लिए? कल यहाँ ये मेडिकल है। क्या हुआ था इनको? उल्टी हो रहा था। अच्छा, उल्टी हो रहा था सर, तो डॉक्टर ने बोला कि आप लोगों को 3-4 दिन बुखार आते हो गया, आराम नहीं मिलता है, तो खून चेक कराइए, तो उसके बाद दवा देते हैं। तो इसी ने खुद बोला भैया तो खून चेक कर लो डॉक्टर साहब, मुझे आराम मिलना चाहिए। तो कल इन्होंने खून चेक किया सुबह के टाइम, अब इन्होंने बोला 3-4 बजे कल सुबह के टाइम, हाँ हाँ कल सुबह के टाइम खून चेक किया, फिर शाम को बताया, शाम को 3-4 बजे के टाइम आना, रिपोर्ट आ जाएगी, फिर दवा दें। फिर 3-4 बजे के टाइम हम लोग गए, दोनों लोग पैदल पैदल चलते चलते दवा लिया कि तुमको टाइफाइड मतलब हल्का है, ज़्यादा नहीं है। ड्राइवर का क्या नाम है? आलोक। कहाँ का रहने वाला है? डिस्ट्रिक्ट कन्नौज। तो ये यहाँ के किस ट्रांसपोर्टर के लिए आप माल लेके आए थे? एनईआर का बिल्टी है। एनईआर क्या माल है इसमें? डाबर का जो दवा है, दवा का सामान है। दवा का सामान। ये अकेला ड्राइवर है और इसके साथ में अकेला ड्राइवर कोई, जैसे इसके साथ में एक बंदा और भी रहता है गाड़ी में, दो लोग रहते हैं? कोई नहीं, वो अकेला ही अकेला है। मेरी गाड़ी इसी कंपनी का है। कौन सी कंपनी की गाड़ी है ये? एनईआर कंपनी। एनईआर नॉर्थ ईस्ट रोड में। अच्छा, तो यहाँ पे उसके जो यहाँ के स्टाफ हैं एनईआर के, वो लोग यहाँ आए थे? हाँ सुबह आए थे। क्या बोला उन लोगों ने? एम्बुलेंस लेके आए। हाँ, डेड बॉडी ले जाऊंगा। हाँ, पुलिस वाला लेखा पड़ी करवा दी, जाके डेड बॉडी लेके जाइए घर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं पोस्टमार्टम करा ले, तो उसका बड़ा भाई आ रहा है, बिहारी आ चुका है, बोल रहा है कि अभी हम 1-2 घंटे में आ जाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। डेड बॉडी रोक दिया है। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं अभी तक? कुछ नहीं आए। पुलिस वाले आए, क्या बोले? पुलिस वाले बोले कि मतलब डेड बॉडी अगर पोस्टमार्टम कराना चाह रहे हो तो करा सकते हो, और ले जाना चाह रहे हो तो ले जा सकते हो। और वो मुंशी आया, मुंशी ने आकर के ये कहा कि अब डेड बॉडी एम्बुलेंस लेके आए, डेड बॉडी ले जा रहे, हम लोगों ने ले जाने नहीं दी। बोला कि ड्राइवर देखेगा एम्बुलेंस डेड बॉडी कैसे पहुँचाएंगे, तो हमने लोगों ने कहा कि हम लोग 500 चंदा दे के डेड बॉडी घर पहुँचा देंगे पोस्टमार्टम कराने के बाद, करा देना भाग गया लेके गाड़ी। तो पोस्टमार्टम नहीं कर रहे? ये भी बोला था कि आप कौन होते उसके, हमने बोला हम उसके रिश्तेदार हैं, कि तो आप क्या करोगे? हमने कौन बोला करे? कौन बोला ये बात? मुंशी बोला। मुंशी कौन, मतलब सिपाही में कोई? माल वाला जो पास करवाता गाड़ियों, माल जो पास करवाता है। हाँ, मालिक की तरफ से मुंशी है वो, तो बोला कि हम आप कौन होते, हमने हम उसके रिश्तेदार हैं, तो आप क्या करोगे? हमने कि मेरा मालिक उनके घर पे पहुंच चुका। हमने ठीक है, मैं घर पे पता कर लेता हूँ। घर पे पता किया, बोला मालिक आले के यहाँ कोई नहीं आया, तो बोले कि ऐसे थोड़ी नहीं हो जाता, ये डेड बॉडी तो उसके भाई से मेरी बात हो गई, कि उसने बोला कि आप डेड बॉडी लेके आ जाओ, तो हम लोगों ने सब लोगों को ठक्का किया, तो सब लोगों ने बोला ऐसे डेड बॉडी नहीं जाने देंगे। फिर वो यहाँ खड़ा रहा, बातचीत करता रहा, फिर वो चला गया, उसने कोई सुनवाई नहीं की, चुपचाप निकल गया। झूठ बोल रहा था उसके भाई ने? झूठ बोल रहा था। तो ये क्योंकि ये सारे ड्राइवर्स जो हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी गाड़ियां हैं, सब अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उसी समय में एक ड्राइवर के साथ इस तरह की वारदात होती है कि वो जाता है डॉक्टर के पास, 2 इंजेक्शन इसको पड़ते हैं, पानी चढ़ाया जाता है, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। वो डॉक्टर भी किस तरह से इलाज किए, क्या बोले इनको कि आज वो डेड बॉडी पड़ा हुआ है। और उस मुंशी से भी बात करने की हमारी कोशिश होगी कि वो मुंशी जी क्या कहते हैं, क्योंकि एनईआर के मुंशी हैं, वो क्या रिप्लाई करते हैं, वो भी जवाब मैं देता हूँ। जगह रहा था मुंशी के, इनके घर वालों से बात हो गई है कि डेड बॉडी ऐसे ही लेके आओ। उनके भाई ने फोन किया हमारे पास, तो कह रहे हम पोस्टमार्टम कराएंगे, तब जब जल्दी डेड बॉडी आया, फिर बोलो कि तुम साथ रहोगे 4 दिन? मैंने हाँ साथ रहेंगे हम 4 दिन। पोस्टमार्टम कराओगे तो गाड़ी थाने जाएगी, और पोस्टमार्टम कराओगे तो डेड बॉडी ले जा सकते हैं। तो वो कह रहे हम गाड़ी थाने नहीं भेजेंगे, पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, मुंशी कह रहे हैं। अच्छा, आप लोग की क्या डिमांड है? हमारे लोगों की डिमांड है पोस्टमार्टम होना चाहिए, पोस्टमार्टम होनी चाहिए जी। उसके भाई का और हम सामने मना कर, हम सर सब ड्राइवर लोग हैं, पोस्टमार्टम होगा तभी डेड बॉडी यहाँ से जाने देंगे। पोस्टमार्टम तो होना ही होना चाहिए उसका। चलो ठीक है, पोस्टमार्टम होना चाहिए, बनना नहीं उसका।
कोई नहीं मिलेगा क्लेम उसका भाई, वहाँ पुलिस वाले बोलेंगे मैटर वहाँ बिहार का है, हम क्या करें इसमें, है कि नहीं? तो इसलिए